यूपी के जनपद औरैया में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जनपद का पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, जिसके द्वारा शांतिपूर्ण मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। आज जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के द्वारा संवेदनशील व अति संवेदनशील जगहों पर रूट मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया, जबकि जनपद के बिधूना कोतवाली क्षेत्र में भी पैदल गश्त की गई और बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आई हुई सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स के साथ आगामी दिनों में पैदल मार्च निकाला जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से मतदान के समय शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखनी है। इस दौरान एसपी ने कहा कि अपराधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले अराजक तत्वों पर भी खास नजर रखी जा रही है। थाना बिधूना के अंतर्गत मेरे द्वारा सीओ साहब और साथ में प्रभारी निरीक्षक बिधूना साथ में होकर के जो कि जितने भी क्रिटिकल बूथ थे उन सभी बूथों को आइडेंटिफाई करके उनमें क्या कमी है, वहाँ के लोगों से बातचीत करी गई, पता किया गया कि वहाँ पर कोई ऐसी प्रतिद्वंद्विता तो नहीं है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जिस वजह से हमारे विधानसभा चुनाव में कोई भी रोक टोक हो, इसलिए हमारे द्वारा ये भ्रमण किया गया है। साथ में जहाँ भी ये हमारे बाहर जनपदों से और अन्य सीएपीएफ जो फोर्सेज आएंगे उनके रुकने के स्थान उनका भी निरीक्षण किया गया है, वहाँ पानी बाथरूम अन्य जो सुविधाएँ उनको देनी उसका निरीक्षण किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार से निरीक्षण अभी जारी रहेंगे और साथ में जो बिधूना के आने वाले दिनों में बिधूना में भी जो सीएपीएफ आई हुई है उसके साथ फ्लैग मार्च किया जाएगा।